नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। क्या आपने कभी किसी को सड़े गले हुए मुर्दे और इनके विभिन्न अंगों को लेकर नृत्य करते व धार्मिक जुलूस निकालते हुए देखा है? यदि नहीं देखा तो देखिए, इस त्यौहार के बारे में हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। इस जुलूस में मुर्दों को लेकर श्रद्धालु द्वारा अजीबो गरीब डांस से नृत्य करते हुए धार्मिक जुलूस निकालने की एक मान्यता है जो कि पुरानी चलती आ रही है। इस त्यौहार का नाम है गजन या गजोन। पश्चिम बंगाल में गजन त्यौहार हिंदुओं का एक लोक त्यौहार है। ये शिव, नील व धर्मगुरु का पूजा केंद्रित त्यौहार है। ये त्यौहार पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में 100 साल से भी ज्यादा समय से मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के विशेष रूप से बर्दवान जिले के कुरमुन, पारुल व पलाशी, खुशपुर, अराची जैसे गांवों में गजन त्यौहार बंगाली कैलेंडर के साल अंतिम महीने क्षेत्र में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस त्यौहार में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोगों को गजन श्रद्धालु कहा जाता है। ये श्रद्धालु अपने हाथों में सड़े गले, बदबूदार मुर्दे और उनके विभिन्न हिस्सों को लेकर शोर मचाते नृत्य करते हुए धार्मिक जुलूस निकालते हैं। किसी गांव में निकाले गए जुलूस को देखने के लिए बच्चे, महिला, बुजुर्ग तक भी अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। किंतु सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुर्दों को लेकर नृत्य, धार्मिक जुलूस करने की इस कुप्रथा को बंद करने के लिए पुलिस व प्रशासन ना जाने किस कारण चुप्पी साधे रखी हुई है।